तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि मार्वल स्टूडियो और डिज्नी प्लस काम कर रही है सिल्वर सर्फर के एक स्पेशल एपिसोड के ऊपर, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होगी फैंटास्टिक फोर से। और देन सभी जानते हैं कि मार्वल ऐसे एपिसोड बीच बीच में लाता रहेगा, जैसे कि उन्होंने अभी हाल ही में रिलीज करा वेयरवुल्फ एट नाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था, थीम भी एकदम यूनिक थी। और अब मार्वल ला रहा है नोवा, और नोवा के बाद अब हमें देखने को मिलेगी सिल्वर सर्फर, जो कि एक घंटे का टोटली एपिसोड होने वाला है। और मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर से कनेक्ट होने वाली है। अब सभी जानते हैं कि इसमें हमें कॉस्मिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, यानी कि गैलेक्टस, जिसकी कुछ हिंट देखने को मिल सकती है। इस सीरीज में हमें रीड रिचर्ड देखने को मिलेगा, जो कि मेन रोल में रहेगा, शायद एक कैमियो के तौर पे भी हो सकता है। और ये सीरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आने वाले टाइम में सीक्रेट वॉर से भी कनेक्टेड होगी, यानी कि डॉक्टर डूम। तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिलीज होगी फैंटास्टिक फोर से पहले, तो ये तो कन्फर्म हो चुका है। तो आप बस ज़्यादा वेट ना करते हुए ये साल 2024 में फैंटास्टिक फोर से पहले रिलीज होने वाली है, और इस सीरीज के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि मार्वल इस पर काम कर रहा है। बाकी ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।